हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इन दो टॉपिक्स से एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स कैरीज अ स्टेडी करंट आई। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज 0.1 टेस्ला। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड एंड रेडियस इज हाफ्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये टर्म आपको परेशान कर सकती है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जनरली हम नहीं सुनी होती। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी बात हो रही है बी की, मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं उसे, मैग्नेटिक इंडक्शन भी, और कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हमसे बोला है कि कोई सर्कुलर कॉयल है जिसकी रेडियस है आर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एन और स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है, और उस सर्कुलर कॉयल के सेंटर पर फील्ड है 0.1 टेस्ला। टेस्ला ये ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड रेडियस इज हाफ्ड, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करें रेडियस को आधा करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा आपको, यदि ये याद आता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर होती है म्यू नॉट बाय 4π 2π एन आई बाय आर। इस फॉर्मूले को इसी शेप में याद रखना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आएगी टेस्ला में क्योंकि ऐसा है फॉर्मूला है, यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में यूज करना हो तो वो होती है 10⁻⁷। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट एंड आर इज रेडियस। तो यहां बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी और रेडियस हाफ कर दी, तो एन ट्वाइस हो जाएगा, रेडियस हाफ हो गई तो रेसिप्रोकेट होकर 2 ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 4 times हो जाएगी। तो 0.1 टेस्ला थी, वो कितनी जाएगी 0.4 टेस्ला, एंड सो आंसर सी इज करेक्ट। पर इस थ्योरी को और थोड़ा समझ लेते हैं, आगे कभी काम आ सकती है। यह है किसी n टर्न्स की करंट कैरिंग क्वाइल के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि सिंगल लूप होगा तो क्या होगा, n 1 हो जाएगा, तो सेंटर पर फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π आई बाय आर। ये होगी फील्ड सेंटर पर यदि सिंगल लूप है, सिंगल टर्न है, तब ऐसे शेप में याद रखने का फायदा यह है कि ये टू पाई हो जाता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन। कहने का मतलब यह है कि कभी आपको यदि ऐसा सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप देकर सेंटर पर यहां फील्ड पूछ लेंगे तब वो कितनी होगी, तो हमको क्या करना चाहिए। अब ये क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन कितना हो जाएगा, पाई। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4π पाई आई बाई आर। इंस्टेड यदि ये कोई क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट होगा तो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा, वो होगा π/2। विल डायरेक्टली राइट हियर π/2। तो क्या याद रखें, एन नंबर ऑफ टर्न्स वाली किसी r रेडियस की कॉइल के सेंटर पर फील्ड कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई बाय आर। सिंगल टर्न का लूप है तो म्यू नॉट अपॉन 4π 2π आई बाय आर हो जाएगा, और 2π क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन। अब डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं, तो क्या याद रखेंगे कि यदि ये सर्कुलर कॉइल है, करंट इसमें इस तरह फ्लो हो रहा है, कैसा ये करंट, क्लॉक वाइज। तो फील्ड सेंटर पर किस डायरेक्शन में होगी, ये निकालने के लिए दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह आधा खोलना चाहिए, हाफ ओपन राइट हैंड पाम, और फिंगर्स को रख देना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, तब ये स्ट्रेच थंब बतलाता है फील का डायरेक्शन। इस केस में क्या होगा, ऐसे रख देंगे दाहिने हाथ की हथेली को अधूरा खुला हुआ, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब ये स्ट्रेच थंब ये बताएगा फील का डायरेक्शन सेंटर पर। तो कैसा आ रहा है, ये नॉर्मल इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये कॉयल है बोर्ड के प्लेन में, और वो जो फील्ड आ रही है वो आ रही है बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, तो यहाँ क्रॉस साइन लगा देंगे क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, और किसी वेक्टर का यदि आपको टेल दिखाई देता है तो क्रॉस लगा देना चाहिए। तो क्लॉकवाइज यदि करंट है तो ये क्रॉस, इंस्टेड करंट यदि एंटी क्लॉक हुआ, जैसा कि हमको इस कॉइल को उधर से देखने पर दिखाई देगा ऑपोजिट साइड से, तो एंटी क्लॉक दिखेगा। एंटी क्लॉक हो तो फिर से दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे रखेंगे आप, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, थंब आया बाहर, तो यहां फील्ड होगी डॉट की फील्ड, डॉट मतलब कमिंग आउट, नॉर्मल आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब यदि ये बाहर आती हुई है लाइंस ऑफ फोर्स, इसका मतलब ये फेस
नॉर्थ जैसा काम कर रहा है, तो ये फेस नॉर्थ पोल का काम करेगा और ये फेस साउथ। करंट की डायरेक्शन देखिए आप, ऐसा साउथ बना देना चाहिए। करंट की डायरेक्शंस ये दिखाई हुई है मैंने, तो क्लॉकवाइज हो तो ये फेस साउथ, फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई। एंटी क्लॉक करंट होने पर ये फेस नॉर्थ, फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होने पर ये नॉर्थ होता है। तो एंटी में इस एन पर ध्यान दें, एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा, फील्ड लाइंस होंगी बाहर। तो ये सब कुछ याद रखना चाहिए, इन पर क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। हाल फिलहाल तो हमसे ये बोला था कि एन टर्न्स आर रेडियस की कोई कॉइल आई करंट कैरी कर रही है, फील्ड एट द सेंटर 0.1 टेस्ला है। यदि नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, रेडियस हाफ कर दी, तो क्या होगा, फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगी, आंसर विल बी 0.4 टेस्ला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर तो ये है, डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर, क्योंकि आपको मालूम है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर फील्ड कितनी होती है, यू नॉट अपॉन 4π2i/d। तो ऑब्वियसली ये बी आई पर डिपेंड करता है, ना कि उस वायर के रेडियस पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर और रेडियस से इंडिपेंडेंट है फॉर्मूला। बी डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, एन ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, उसको कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। इस कंडक्टर को इमेजिन करते हैं जैसे राइट हैंड से होल्ड कर रखा हो, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, तब कर्ल ऑफ फिंगर्स वो बताता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो होती हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स, इस तरह के सर्कल्स कोसेंट्रिक और वायर कॉमन सेंटर पर, तो इस तरह की होती है फील्ड। अब ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ये वायर है बोट के प्लेन में और ये प्लेन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बोट के प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब इसी डायग्राम को 2 डायमेंशन में भी बनाएंगे तो ये वो करंट कैरिंग कंडक्टर, और फील्ड लाइंस कैसे शो करेंगे, तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट उस पॉइंट पर फील्ड बताता है। मान लो ये है फील्ड लाइन, तो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट, यहां फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो यदि इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो यहां पर फील्ड कैसी होगी, तो सर्कल होगा इस तरह का, और इस तरह का होने से फील्ड लाइन होगी बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ऐसे उसे शो कर सकते हैं। और अंदर है ये वेक्टर, इसलिए यहां लगा देंगे क्रॉस साइन और यहां लगा देंगे डॉट साइन। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये 2 डायमेंशन में। इसको ऐसे होल्ड किया, कर्ल ऑफ फिंगर्स ने बताया फील्ड यहां अंदर जाती हुई और यहां बाहर निकलती हुई। करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो यहां क्रॉस फॉर्म हो रहा है तो डॉट फॉर्म होने लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट कंडक्टर से होती कितनी है, उसका फॉर्मूला भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यह है वो करंट कैरिंग कंडक्टर और यह है ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर। करना क्या है, इस पी को इस वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करके इसे रेफरेंस लाइन बनाकर ये दो एंगल्स पता कर लेने, अल्फा और बीटा। तो फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4π i/d, और इसके साथ यहां आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। डायरेक्शन तो हम थंब रूल से निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट है आई, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस वायर से डी है, और अल्फा बीटा ये दो एंगल्स हैं। अब यदि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत पास में है इस वायर से। इनफाइनाइटली लॉन्ग का कतई ये मतलब नहीं है कि आकाश से पाताल तक, ऐसा मतलब नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत पास हो तो फिर उसे कहते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे जनरली पूछे जाते हैं। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होने के वजह से ये अल्फा बीटा ये दोनों होंगे 90,
साइन 90 इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, और इसलिए यह 2 आने लगेगा और फॉर्मूला ये हम याद रखेंगे, यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय डी, ये फॉर्मूला है किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आई करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो बी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट करेक्ट। तो जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो यहां ध्यान जाए आपका, यदि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमको तो रॉन्ग आंसर इसमें से सॉर्ट आउट करना है। फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइंस एट द एंड्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की होंगी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आउटसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब एंड्स पर वो स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं, तो ये बात सही लिखी हुई है। देर आर नो फील्ड लाइंस विद इन अ बार मैग्नेट, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि अंदर भी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये बात गलत है, यही आंसर होना चाहिए। पर यहां ध्यान दें, दे कैन एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, एमिनेट मतलब स्टार्ट होना, तो ये बात भी बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस होती हैं क्लोज लूप्स, यानी वो कहीं से स्टार्ट या एंड नहीं होती, तो इसके दो ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, तो जरूर इसमें बोनस मार्क्स बच्चों को मिले होंगे। यदि यहां ये लिखा होगा दे कैन नॉट एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। हाल फिलहाल यदि ये ऑप्शंस हैं तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, और हमको रॉन्ग ही स्टेटमेंट ढूंढना था, यानी इसके आंसर्स होंगे ए एंड डी बोथ।